गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मानसरोवर विद्या विहार उनागाम सूरत में वसा संगीता बहन। तो बच्चों, आगे का पार्ट वन हमने देखा था, चैप्टर वन का वंद्रा भाई ने वाचता आवड़े। तो आगे का 1 से 5 तक का पेज नंबर हमने देख लिया था, अभी 1 से 6 से अभी हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दिया है छूटी गयेला शब्दों शब्द वार्ता में जो वाक्य फरी थी लखो। छूटी गयेला शब्द यानि जहाँ भी शब्दों बाकी रह गया हो वो ढूंढने का है। ये तो जोड़ी कार्य करना है, उसमें कुछ नहीं करना। उसका उदाहरण दिया गया है, 12 मास एग्जाम थी बीजा पर फरतो रहे। 12 मास एक झाड़ थी बीजा झाड़ पर फरतो रहे। ये क्या करना है बेटा, शब्दों को छूटा करना है और उसमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है, साथ में लिखा है 12 मास एक झाड़ थी बीजा झाड़ पर फरतो रहे। तो यहाँ पे लिख के दिया है, देखो ये, देखो यहाँ पे लिख के दिया है। कैसा लिख के दिया है, ये दिया है लिख के, 12 मास एक झाड़ थी बीजा झाड़ पर फरतो रहे। तो यहाँ पे वाक्य बनाया है, 12 मास को छूटा किया है शब्दों को, फिर एक फिर झाड़ थी बीजा झाड़ पर फरतो रहे। तो उसी तरह ये दूसरी लाइन में भी खटपटे घर पासे अचरज जयू। तो यहाँ पे क्या लिखना है, खटपटे घर पासे अचरज जोयू, ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद है दूसरा, देखो, बिचारा वांद्रा भाई ठंडी थी केवा छे। तो यहाँ पे कैसा लिखना है बच्चों, बिचारा वांद्रा भाई ठंडी थी बसता रहिया। फिर उसके बाद है, उनाड़ा में गर्मी लाग से ने चौमासा में बची सकाशे। उनाड़ा में फिर उसके बाद गर्मी, फिर उसके बाद लाग से ने चौमासा में बची ने सकाशे। फिर चौथा जो प्रश्न है, खटपट ए तारे नथी बताऊ, खटपटे तारे नथी बताऊ। प्रश्न नंबर 5, वांद्रायो ये न बनायु ते नज बनायु, एवी रीते वाक्य छूटा पाड़ीने लखवानुं छे। चालो गाये गीतड़ू, उंदर छे दोरमां, खाली जग्या पूरो ने मोटे थी वाँचो। तो बच्चों जो आगळ शुं छे, पहेलो छे, माणसोने तापता जोई खटखटने शुं लाग्युं बेटा। यहाँ पे प्रश्नों का जवाब भी दिया है, कौंस में दिया है, देखो यहाँ पे कौंस दिया है। तो माणसों ने तापता जाए खटखटने क्या लगा, नोवाई। फिर उसके बाद है, माणसों खाली जगह थी तापता हता, सेना थी तापता हता, लाल अंगारा थी तापता हता। अने तापणों करवा शू करू, लाल मरचा, यहाँ पे लाल मरचा, यहाँ पे लाल अंगारा। फिर खटपटे हुपाहूप करी पोतानी मित्रों, पोताना मित्रों ने बोलावे, मित्रों ने पोताना वांद्राओं ने बोलाया। पछी एना पछी आवे छे विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न पेज नंबर 6 जोई गया, हवे पेज नंबर 7 पर जुओ। आवे छे,
આગળ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો पेज नंबर 7 पे देखो अभी क्या है। उनाड़ा में खटखटने खूब खाली जगह थतो तो क्या होते थे परसेवा। तो यहाँ पे लिखो परसेवा, परसेवा। फिर नंबर 5 पे आखरे थाकीने सुग्रीय वांदराओं ने खाली जगह करवानी छोड़ी दी थी। क्या करने के सुग्रीव भाई ने छोड़ दी थी फिकर, तो यहाँ खाली जगह में फिकर आएगी। उसके बाद देखो आगे प्रश्न नंबर 10, बो माथी सरखा अर्थवाड़ वाक्य शोधी तेनो क्रम में लखो। तो सरखा अर्थवाड़ वाक्य शोधवानो छे। यहाँ पे क्या ढूंढना है बच्चों, दोनों में सेम वाक्यों को ढूंढना है। पहला है, पहला वाक्य देखो, और बो दिया है और बॉक्स दिया है बीच में, तो को खो जो भी जवाब आए उसे वो भाई बॉक्स में लिखना है। तो पहला देखो, बधा दृष्टा दृष्टा बोलता हता, तो इन्हीं सामने शू आवशे गो, पहले के सामने क्या आएगा गो, गो। फिर उसके बाद अचानक वर्षा तूटी पड़ो, आकाश माथी खूब पानी वरस्यू, तो अहीं आवशे गो। फिर उसके बाद आकाश माथी आग वरसी रही छे, खूब ताप लागे छे, तो घो। पछी आवशे प्रश्न नंबर 4 मां, बारे मास एक झाड़ थी बीजा झाड़ पर फरे छे, आखू वर्ष ते फरे करे छे, तो चो आवशे। पछी 5मा नंबर पर वांदराए पूछड़ीओनो मीनारो बनायो, तो शू आवशे, तेमणे ऊंचो मीनार जेवो आकार कर्यो, तो शू आवशे अहींया खो खोलनो खो। तो आ थई गयो आपनो प्रश्न नंबर 10। एना पछी आवशे अभिनय, जूथ में चर्चा करो, आ वार्ता ने प्रार्थना सभा में भजवो। जूथ में चर्चा करना है, सब मित्रों इकट्ठे होके, और उसके बाद क्या करना है, प्रश्न नंबर 12 देखो, ऋतु ओळखो ने लखो। यहाँ पे दिए गए ऋतु का वाक्य दिया है और उसमें ठंडी गर्मी बारिश ये सब लिखना है, जो खाली जगह दिए है ना उसमें लिखना है। तो आगे देखो क्या करना है, मारा घर में मने जराय ठंडी न लागे, ठंडी आई है तो गुजराती में शू आवशे शियाळो, बधा वांदरा पानी थी भींजाई गया, तो अहीं शू आवशे चोमासु, सुग्री माळा में झूलती हती, तो ये उनाळामां, वांदरा पूछड़ी माथे मूकी बैठा हता, तो शू लागतुं हतुं, एने ठंडी लागती हती। हवे पेज नंबर 8 पर जुओ, પાંચમો ક્રમ, વાંદરાઓએ માણસોની નકલ કરી, પછી આસે ઝાડના છાંયે બેસી વાંદરા એકબીજાને પંખો નાખતા હતા, તો ગરમી ઉનાળો, આકાશમાંથી વરસે આગ ડોસી મને પવન નાખતો ઉનાળો, પછી સળગાવીને લાકડા તાપણો કરે માકડા, 8મો નંબર, તો શું આવશે શિયાળો, ડાળે ડાળે ફરી અને કૂદીએ ઘરના છાપરા, તો એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ, ગડગડાટ કરતા વાદળા પાણી આગળ પાછળ, તો શું આવશે ચોમાસું। હવે આગળ જુઓ પ્રશ્ન નંબર 13, શું હલકું શું ભારે કેવી રીતે ખબર પડે કહો। તો એમાં જુઓ, સુગ્રીનો માળો કે ઝાડની ડાળી શું હલકું છે, એમાં સુગ્રીનો માળો કે ઝાડની ડાળી, તો ઝાડની ડાળી ભારે છે અને સુગ્રીનો માળો હલકો છે। પ્રશ્ન નંબર 2 જુઓ, લાકડાનું ટેબલ કે પ્લાસ્ટિકની ખુરશી, પ્લાસ્ટિકની ખુરશી હલકું અને લાકડાનું ટેબલ ભારે। પ્રશ્ન નંબર 3માં જુઓ, ગુજરાતીની ચોપડી કે ગણિતની ચોપડી, તો ગુજરાતીની ચોપડી હલકી અને ગણિતની ચોપડી ભારે। પેન્સિલ કે રબર, તો રબર ભારે છે ને પેન્સિલ હલકી છે, નહીં સોરી, પેન્સિલ ભારે છે રબર હલકો છે। આવે છે 5મો, લખોટી કે પ્લાસ્ટિકનો દોડો,
પ્લાસ્ટિક નો દોડો હલકો હોય લખોટી ભારે હોય. પ્રશ્ન નંબર 4, કોણ છે તે શોધો અને તેના વિશે એક એક વાક્ય લખો. ઉદાહરણ, ચાર અક્ષરનું એક નામ. અજગર. ચાર બોક્સ પૂરા થયા. નામના છેલ્લા બે અક્ષરો છે તર, ચણતર. ત્રીજો અને પહેલો અક્ષરથી બને તક, ખડતર, કડતર. તો એક કોણ હશે? કબૂતર. વાક્ય કબૂતરને ચણતા જવાની મજા પડે છે એવી રીતે પાછા વાક્યો એમાં બનાવવાના છે. પ્રશ્ન નંબર અરે પેજ નંબર 9 પર જુઓ. ચાર અક્ષરનું એવું નામ અજગર. તો નામના પહેલા બે અક્ષરો છે કરો. પહેલા અને છેલ્લા અક્ષરથી બને કયો? કરોડિયો. પછી નામના પહેલા બે અક્ષરો છે કરો. ત્રીજો અક્ષર તમે ધારશો તો મળશે આઠ પગવાળા જંતુનું નામ ચાર અક્ષરનું એનું નામ તેના ત્રીજા બીજા અને પહેલા અક્ષરથી બને ચરક. ચરકમરક. ચોથા અને પહેલા અક્ષરથી બને લોક. લોકમત. તો એ કોણ હશે? પછી એનું નામ લખવાનું છે, એનો વાક્ય પૂરો કરવાનું છે. ચાર અક્ષરનું છે નામ, પહેલા અને બીજા અક્ષરથી બને દર. દરબાર. પહેલા અને ચોથા અક્ષરથી દોડો. દોડા. પહેલા ત્રણ અક્ષરથી બને એક કારીગર. તો એ કોણ હશે? ચોથું છે પાંચ અક્ષરનું છે નામ, પહેલા બે અક્ષરથી બને કાન. કાન ખજૂરો. ત્રીજો અને પાંચમો અક્ષર ભેગા થઈ બને ખરો. ચોથો અક્ષર માથામાં પડે તો ખંજવાળ આવે. તો એ કોણ હશે? પેજ નંબર 10 પર જુઓ. જોડીમાં ચર્ચા કરી શું જુદું છે તે શોધો અને લખો. यहाँ पे लिखना है क्या अलग है और को क्या सही है. जोड़ में देखो, पहले चित्र में पेड़ पे चिड़िया बैठी है, यहाँ पे चिड़िया नहीं है. और पहले चित्र में यहाँ एक बूढ़े आदमी बैठे हैं, यहाँ बूढ़ी दादी माँ बैठी है. फिर उसके बाद पहले चित्र में तीन चिड़िया है ऊपर, यहाँ पे दो ही चिड़िया है. फिर उसके बाद ये आलू दिखाई दे रहा है, उसके पे मटर है दो, यहाँ पे नहीं, एक आलू है यहाँ पे नहीं. उसके बाद यहाँ पे पहले चित्र में ग्रीन कलर का बॉक्स है, यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया है. पहले चित्र में दो खिड़कियाँ है,
दूसरे चित्रों में एक ही खिड़की दी गई है। और क्या क्या दिखाई दे रहा है, दोनों चित्रों में क्या फर्क है, ये नीचे लिखना है आपको। फिर आगे देखो, तेजल नो घर अने विवेक नो घर। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, उसने तेजल ना घर पासे तो लीमड़ो जाड़ो छे, विवेक ना घर पासे नो लीमड़ो पातड़ो छे। अरे तेजल नाम का जो लड़का है उसका घर पे जो नीम का पेड़ है वो बहुत बड़ा है, और विवेक के घर के पास का जो नीम है वो बहुत पतला है। तो उसके बारे में हम तीन चार वाक्यों लिखना है। कहो तमारा घर विषय शू शू गमे छे ने कया कया फेरफार करवा जेवा छे तेमनी तमारा दोस्तों साथे वात करो। फिर आगे देखो, तमे तमारो नवो घर बनाओ तो केवू होय ते लखो। अपने अपने घर के बारे में लिखना है, क्या होय, केवड़ू होय, केवी व्यवस्था होय, केवा रंगनू होय, शू नाम राखो छो, ए बधु आपणे अहींया बॉक्सनी अंदर लखवानू छे। पछी आगळ जो 12 पेज पर એમાં આપેલું છે, વિદ્યાર્થીઓની બે ટીમ બનાવો, વર્ગની સંખ્યા વધારે હોય તો 10-10ની 3-4 ટીમ બનાવી શકાય, એક ટીમનો એક વિદ્યાર્થી વર્ગ સમક્ષ આવી નીચેનામાંથી એક વાક્ય મોટેથી વાંચશે, તે વખતે તે વાંચવામાં કોઈ ભૂલ કરે તો બીજી ટીમના વિદ્યાર્થીઓ આઉટ એમ અપીલ કરશે। તો આપણે શું કરવાનું છે, બે ટીમ બનાવવાની છે, 5 હોય 4 હોય, પછી એને વાક્યો બનાવવાના છે, જે ટીમ જીતે એને 10 ગુણ આપવાના છે ને જે ટીમ હારે એને 1 ગુણ કપાય છે। એ રીતે ટીમના સભ્ય વધુ ગુણ મેળવે તે રીડિંગ ક્રિકેટના વિજેતા બને છે। ગગન જગનના ગામ જા, ગામે ગામ વરસાદ ગાજે, અજગર અને કેસર વરસાદમાં છપ છપ કરે, બેમ બે કરતી રાણી બકરી ઈયળ પાસે જોઈ પડી, ઝાકણ દીદી સુરજભાઈને મળવા હળવે હળવે ઘરે ગઈ, જેવી ઘર ઉપર ચડી ખજૂર ખાતા ખાતા ટોપાલીને ખીજ્યો, ફિરદોસ અને ભૈરવ ધજા લઈ દોડતા દોડતા થઈ ગયા, ઢલકપુરનો બળ્યો ભીમ શાક ફોલે અને ઠળિયા કાઢ, આશીષે સૈનિકને રૂમાલ આપ્યો, અક્ષય અને ઋત્વા શ્રાવણ માસમાં 3 દિવસ પ્રજ્ઞાપુર રહેવા જાય છે, ઉનાળામાં ઉંદરને શેરડી ખાતા થાક લાગ્યો, હવે મને ગુજરાતીમાં ગતસ નોપલ અજપક અજખજ ટઢણ ડળહત્રો એમ બધું વાંચતા આવડે છે। અત્તુભાઈ અને મત્તુભાઈ પત્તા રમતા હતા, ત્યાં દત્તુએ મત્તુભાઈનું ઊંધું પત્તું ચત્તું કરી દીધું, સ્માર્ટફોનમાં ગેમ રમવા કરતાં મને તો મેદાનમાં ગિલ્લી દંડા રમવાનું વધુ મજા પડે છે। તો એવી રીતે આપણે વાંચતા શીખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે 13 પેજ નંબર પર જુઓ, એમાં શું કરવાનું છે, ટીકુ બહેન તો વાંચવાના શોખીન, એ ગીત દિયા હૈ ઉસમે ટીકુ બહેન નામ કી લડકી કા નામ હૈ ટીકુ, ઓર ઉસકો ક્યા શોખ હૈ, પઢને કા શોખ હૈ, ટીકુ બહેન તો વાંચવાના શોખીન, વાંચે નાના અક્ષરવાળી ચોપડીઓ રંગીન, ક્યા કરતે હૈ ટીકુ બહેન, પઢને કા શોખીન હૈ તો ટીકુ બહેન छोटे छोटे अक्षर दिए गए होते हैं किताब में रंगीन, वो टीकू बहन पढ़ लेती है, छोटा भीम ने छोटी पोठी बधूज वाँचे खूब, बधीज वार्ता दादी माफोक बोले आभे खूब, टीकू बहन नु लेसन करतो वार्ता मानो जीन, टीकू बहन तो वाचन ना सखीन, टीकू बहन ना घर में तो छे चोपड़ियों ना थप्पा, टीकू नी आज्ञा थी साथे वाँचे मम्मी पप्पा, વાંચતા વાંચતા ઊંઘી જઈને પહોંચી જતા ચીન, ટીકુ બહેન તો વાંચનના સખી, એક દિવસ તો અજવાળામાં થયા ટીકુ બહેન ગુમ, આખા ફળીએ શોધે સૌ કોઈ ઝાજી પાડે ભૂમ, સાડા ટીકુ બહેન પલંગ નીચે વાંચનમાં તલ્લીન, ટીકુ બહેન તો વાંચનના સખી। તો બચ્ચો યે ગીત જો દિયા હૈ છોટા સા, ઓર ટીકુ નામ કી લડકી હૈ, उसको पढ़ने का जो शौक है तो वो
दादी की तरह बोल भी लेती है और कहानी भी कहती है और लेसन भी कर लेती है, और उसके साथ उसके घर में बहुत सारे किताबों की थप्पी लगाई होती है। तो टीकू की आज्ञा से, अनुमति से उसके मम्मी पापा भी ये पढ़ लेते हैं, फिर सो जाते हैं। और सो जाते हैं तो कहाँ पे पहुँच जाते हैं? चीन। एक दिन तो ऐसा है, उजाला था और टीकू बहन गुम हो गई। पूरे मोहल्ले में ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं, और बहुत आवाज़ लगाई उसके मम्मी पापा ने, और वो टीकू बहन तो चुपचाप पलंग के नीचे पढ़ने में तल्लीन थी, क्योंकि वो पढ़ने का शौकीन थी, इसलिए वो किताबें बहुत पढ़ती थी। तो आगे देखो बच्चों, पेज नंबर 14 में उसका उत्तर दिया गया है। देखो, हम ने जो गीत था वो पढ़ लिया। 18 नंबर का प्रश्न जो दिया है उसमें देखो, टीकू बहन ने शू बहु गमतू प्रश्न आपेलो छे, तो विद्यार्थी मित्रों एनो जवाब शू आवशे? टीकू बहन ने शू गमतू हतु बेटा? टीकू बहन ने वाँचवानु खूब गमतु हतु। तमे शू वाँचो छो? आप क्या पढ़ते हैं वो लिखना। इंग्लिश पढ़ते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हो वो लिखना। वाँचव लखव गाव रमो, आ चार तमने शू करवानु खूब गमे छे? पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, ये चार में से आपको क्या पसंद है वो उसे उत्तर में लिखना है अपने अपने हिसाब से। प्रश्न नंबर 4 दिया है, तमें क्यारे वाँचवा बैसो छो? आप कब पढ़ने बैठते हो? कब पढ़ने बैठते हो? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सुबह, दोपहर, कब पढ़ने बैठते हो? अपने अपना टाइम लिखना है। प्रश्न नंबर 5 उसमें देखो, तमें क्या वाँचवा बैसो छो? आप कहाँ पे पढ़ने बैठते हो? घर में कौन सी जगह पे बैठते हैं वो अपने अपने हिसाब से उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 6, टीकू बहन ने तेना मम्मी पप्पा ने शू करवानु कह्यु हतु? क्या करने के लिए बोला था बच्चों? उसने मम्मी पप्पा को भी पढ़ाई करने के लिए पढ़ना कहा था। नंबर 7, तुम्हारा घर में कौन कौन वाँचे छे? आपके घर में कौन कौन पढ़ते हैं? मम्मी पप्पा, भाई बहन, जो भी पढ़ते हैं उसका नाम लिखना है। आगे देखो, नंबर 8, तुम्हारा घरे कई कई चौपड़ियो छे? काले जवाब आपजो। तो बच्चों, अपने अपने घर में कौन कौन सी किताब है और कौन कौन पढ़ रहे हैं उसका नाम कल दिखाना है, तो फिर अपने अपने घर से उसका उत्तर ढूंढना है। नंबर 9, बधा टीकू बहन ने क्या सोता था? कहाँ पे ढूंढते थे? पूरे मोहल्ले में। 10, टीकू बहन क्या थी मड़िया? टीकू बहन क्या थी मड़िया? पलंग नीचे। नंबर 19, जुओ बच्चों, जोड़ मिलाना है, जोड़ो अने वाँचो। तो टीकू बहन ने क्या पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वाँचवानु खूब गमतु हतु, तेनु लेसन घनी बधी चौपड़ियों हती, तेना घर में भूमो पड़ता सुत्ता हता, ते पलंग नीचे संताई ने वाँचता हता, बधा टीकू बहन ने वार्तानो जीन कही आपता हता। नंबर 20, जुओ समझो ने लखो। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, नखीसो, आडावड़ा अक्षरो आपेला छे ने सीधा करीने शब्दों बनावानो छे। नखीसो एटले के सखीन, डी पो चो एटले के चोपड़ी, जी न जी एटले के जीन, पछी न स ले एटले के लेसन, ये डी फो एटले के फड़िए, अने न हे बो कूटी एटले के टीकू बहन। तो आ जोई लीधो, हवे प्रश्न नंबर 20 पूरो थाय छे अने छेल्लो पेज छे आपणो। अहींया ग ल अने प छे तो पलंग, 7મું છે જ્ઞા આ તો આજ્ઞા, 8મું છે ડા વા જો ઓ, તો એનો અર્થ શું થશે? અજવાળો।
प्रश्न नंबर 21 जुओ। तमारा मित्रों साथे जोड़ी में बेसो, गीतना बीजा 5 शब्दों उलटावी लखो। हवे तमे अने तमारा मित्रों एक बीजा साथे चोपड़ी बदलावी लो। तमारा मित्रों उलटावेल शब्दों तमे साची रीते लखो अने तमारा उलटावेला शब्द तमारा मित्रों ने लखवानुं कहो। मोटेथी वाँचो, जाने मोटो कारीगर गूंथी गूंथी बनावे घर, एवं पक्षी कयू वड़ी डाड़े लटके जेनू घर। डाड़े लटके जेनू घर तो सुग्री बाय। चालो हसीए, दीपू हे टीकू केवो रह्यो दिवस? तो टीकू कहे छे, बेकार यार, अमारा टीचर ने कशू साचू न कहवाय। तो दीपू कहे छे, केम शू थयू? तो टीकू कहे छे, एमणे पाटियामां राष्ट्रगीत लख्यू ने पूछ्यो राष्ट्रगीत कोणे लख्यू? तो दीपू कहे, हाँ तो टीचरे लख्यू होय ने? टीकू, मैं कहूँ सर तमे? तो मारी सामे डोळा काढीने જોઈ રહ્યા। दीपू के हा हा हा। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अहींथी आपणे जे वांद्रा भाई ने वाँचता न आवड़े ए जो आपणे पाठ बे जोयो छे अहींथी पूरो थाय छे। तमने जे जे मैं प्रवृत्ति अंदर करावी छे, ये प्रवृत्ति को सबको कॉपी में लिखना है, याद करना है, उसका उत्तर भी ढूंढना है। तो यहाँ से हमारा ये एकम पूरा होता है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।